जय माता दी। मित्रों मित्रों, मिट्टी और रक्त, बेसिकली इनका ऋण आप चुकाए नहीं चुका सकते। अर्थात ब्लड, जो रक्त आपका, आपके पूर्वजों से जो ब्लड टू ब्लड, आप मतलब ब्लड ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इसके साथ जो ऋण है आप उसको नहीं चुका सकते। मतलब कितना भी करियर कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर इतना ज्यादा ऋण आपके ऊपर रहता ही रहता है। विशेषतः आपकी माता आपको अपने गर्भ में 9 महीने तक रक्त से सींचती है, क्या वो ऋण, जो रक्त का जो ऋण है, वो आप चुका सकते हैं? वो नहीं चुका सकते। कहीं ना कहीं माता पिता के ऋण से व्यक्ति अपने पूर्वजों के ऋण से हमेशा बंधा रहता है। इसी प्रकार जो इस माटी में हम पले बड़े होते हैं, उस माटी का ऋण भी हम कभी चुकाए नहीं चुका सकते। मतलब कितना भी हम कोशिश करें उसको हम चुका नहीं सकते, वो पूरा नहीं हो पाता। इसी प्रकार अगर हम देखें तो माटी, मिट्टी और आपका जो ये रक्त की बात कर रहे हैं, ये क्या है? मंगल है। अर्थात मंगल का ऋण जो होता है वो आप कितना भी कोशिश कर लो वो पूरा चुका ही नहीं पाते। तो इसी कारण आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मंगलवार के दिन आपको ना तो किसी से ऋण लेना चाहिए और ना ही किसी को ऋण देना चाहिए। लेना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप उस ऋण को चुका नहीं पाओगे, और देना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी ना किसी कारणवश इस तरीके से ऋणी रहेगा कि वो आपका ऋण चुका नहीं पाएगा। फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में वही संबंध परेशानी का कारण बन जाएंगे। तो विशेषतः ना मंगलवार को ऋण दीजिए और ना ही आपको लेना चाहिए। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यदि आपके किसी के पास आपने मतलब ऋण लिया हुआ है और आप वापस लौटाना चाहते हैं, पूरा हो चुका है, मतलब देना ही चाहते हैं, तो आप एक बार कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, ना दीजिए ना लीजिए, जरूरत पड़ जाए तो लौटा सकते हैं, दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लेने और देने से विशेषतः आपको बचना है कि किसी को कर्ज देने से भी बचेगा, क्योंकि आप दोगे मंगलवार को उसके लिए, तो मंगलवार को ऋण ले रहा है और वो चुका नहीं पाएगा। फिर इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।